हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन 2024-25 के लिए हमने सेशन का शुरुआत कर दिया था, जिसमें कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने हैं। अभी हमने पिछला जो वीडियो हुआ था उस पर क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 कम्प्लीट कर लिया था, मतलब एक्सरसाइज 1.1 तक हो चुका था और उसी का एक्सरसाइज 1.2 हमें आगे की तरफ करना था, है ना। मैंने जो किया था उसका थोड़ा सा फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो जो मैंने किया था उसी के जस्ट आगे में हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए करेंगे, तो एक बार थोड़ा सा आप देख लेंगे मैंने क्या क्या करा दिया था आपको। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके आप जरूर से देख लेंगे। ओवरव्यू जो जो था मैंने यहाँ पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ा दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा दिया है, एलसीएम और एचसीएफ, मतलब तीन टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर चुका है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब कि चौथा टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमें देखना है। ठीक, चलो। क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ से हमने शुरुआत किए थे, संख्या रेखा हमने पढ़ा था, उसके अलावा जो जो हमारी संख्याएं बनी थी संख्या रेखा से, फिर उसके बाद हमने देखा हुआ था विभाजन के नियम, विभाजन के नियम किससे बन रहे थे, क्या बन रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा हुआ था, अभाज्य गुणनखंड विधि देखा था। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीख लिया था। इसके अलावा एक फॉर्मूला आया था जिस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहे थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एस सी एफ गुड़ा एल सी एम, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल एल सी एम गुड़ा एस सी एफ। ठीक, उदाहरण हमने देख लिया था। उदाहरण के अलावा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब हो चुके थे हमारे, मतलब कि यहाँ तक हो चुका था। यहाँ से आज हमें बात करनी है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अब जब अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी होती है भाई अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। जैसे आपने 9th में पढ़ा था परिमेय संख्या, वैसे हम यहाँ पे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब वहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या थी, मैं डेफिनेशन को थोड़ा एक बार रिकैप करा देता हूँ। वहां पे हम पढ़ रहे थे कि संख्या R को एक परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है और जो Q था वो 0 के बराबर नहीं था। ठीक, अब संख्या S को अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या आने वाली है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर या दो नंबर में कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो संख्या S को अपरिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे P बटे Q के रूप में लिखा नहीं लिखा जा सकता। संख्या S को अपरिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक है और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब जो संख्या S है ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी जब यह P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाएगी और जो Q है हमारा ये भी बराबर नहीं होगा 0 के, साथ में P और Q पूर्णांक होंगे। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्हें हम डायरेक्टली याद रखते थे, मतलब करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, या तो ऐसी संख्याएं हमें देखने को मिले या फिर हमें कैसी संख्याएं देखने को मिले, पाई देखने को मिले, या जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति ज्ञात नहीं हो रही थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर से ध्यान से देखिए ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो सके। जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी 0.1 0001 0001 0001, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल रहे थे, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये तीन चार क्वेश्चन हैं और तीन चार क्वेश्चन के बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये बात मैं बोल दे रहा हूँ। देखो कौन कौन सा भाई, या तो करनी 2 या करनी 3 या करनी 5 या करनी 7, बस, और सबको सेम मेथड से करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं करनी 3 का ले रहा हूँ तो मैं करनी 5 वाला, ना करनी 7 वाला, ना करनी 2 वाला बताने वाला हूँ। जहां जहां 2 लिखा होगा या 3 लिखा होगा आप सारी संख्या चेंज कर लेना, सेम क्वेश्चन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या क्वेश्चन ये लिखा आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका विरोधाभास करना है, मतलब इसके अपोजिट हमें मान के चलना है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा माना माना करनी 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तो हम इसे क्या कर सकते हैं भाई, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q बराबर करनी थी भाई, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या, एक। क्या करना पड़ेगा, देखो करनी हटाना है, करनी हटाना है मतलब वर्ग करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने
दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या होगा पी बटे क्यू इसका वर्ग बराबर किधर क्या होगा करणी तीन बटे एक इसका वर्ग क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर, देखो इधर वर्ग से करणी कटेगा तीन बटे एक ऐसे आएगा, जो इधर भाग में है बराबर किधर लेके जाओ गुणा हो जाएगा, मतलब क्या होगा पी स्क्वायर बटे थ्री, कोई ऐसे नहीं करते हैं, एक और स्टेप लेंगे, एक स्टेप वो ले लेंगे पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर। अब जो क्यू स्क्वायर के गुणा में है ना वो उसको गुणा से बराबर किधर लेके जाओ भाग होगा, मतलब पी स्क्वायर बटे तीन और बराबर किधर आएगा क्यू स्क्वायर, मैं क्या बोलता हूँ ये समीकरण एक है। अब देखो इसके लिए पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट जरा सुनना ध्यान से, पॉइंट मैं बोल रहा हूँ समीकरण एक में, समीकरण एक में क्या बोल रहा हूँ भाई पी स्क्वायर क्या है तीन से विभाजित है, विभाजित है, मैंने बोला समीकरण एक में पी स्क्वायर तीन से विभाजित है तो पी भी तीन से विभाजित होगा, ये बात हम बोलेंगे, तो P भी तीन से विभाजित होगा, मतलब P का एक गुणनखंड अर्थात P का एक गुणनखंड तीन है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ P बराबर 3m। अब मैंने 3m क्यों लिखा, जो m है ये कोई भी संख्या हो सकती है पूर्णांक संख्या, तो मैं क्या बोलूंगा जहां m एक पूर्णांक है। मैं क्या बोलता हूं ये जो p की वैल्यू आई है ना p बराबर 3m, मैं बोलता हूं p का मान समीकरण एक में रख दो, तो मैं क्या बोलूंगा p का मान समीकरण एक में रखने पर, ऐसे आपको सॉल्व करना है, बता रहा हूं मैं आपको, P का मान समीकरण एक में रखेंगे तो जहां P स्क्वायर था वहां पे रख देंगे 3m इसका स्क्वायर, इसके बटे में 3 था बटे में 3 और बराबर किधर था Q स्क्वायर, बराबर किधर लगा दिया भाई Q स्क्वायर। अब क्या होने वाला है देखो 3 का वर्ग 3 3 9 m का वर्ग m स्क्वायर बटे 3 और बराबर किधर क्या होगा Q स्क्वायर, ये देखो 3 एक कम 3 3 3 9, थोड़ा सा स्पेस मुझे छोटा करना पड़ेगा, चलो खैर कोई बात नहीं, ये अलग से लिख दिया मैंने ठीक। अब जैसे मैंने ये लिखा तो ये क्या आया, ये आया है 3m स्क्वायर और बराबर किधर q स्क्वायर। अब जो m स्क्वायर के गुणा में है बराबर किधर आएगा तो भाग, मतलब m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 3, इसको मैंने नाम दिया समीकरण दो। अब समीकरण दो के लिए मैं क्या लाइन लिखूंगा, जैसे यहाँ लिखा था देखो समीकरण एक में p स्क्वायर 3 से विभाजित है, मैं वही बोलूंगा समीकरण दो में q स्क्वायर 3 से विभाजित है, मैंने बोला समीकरण दो में q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो q भी तीन से विभाजित होगा, अर्थात q का एक गुणनखंड तीन है। अब क्या हुआ, हम बोलेंगे समीकरण एक व दो से देखो समीकरण एक व दो से क्या हुआ, एक व दो से हुआ है P और जो Q है, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे समीकरण एक व दो से P एवं Q ऐसे लिख देते हैं, P एवं Q तीन से विभाजित है। बट मैंने आपको जब डेफिनेशन बताया था तो मैंने बोला था कि संख्या S हम जो लेंगे उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे जब
उसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दूसरी सिचुएशन मैंने बोला था कि पी और क्यू पूर्णांक होंगे, पी और क्यू सहभाज्य होंगे और पी जो क्यू होगा वो बराबर नहीं होगा जीरो के। बट यहाँ पे तो ये भी तीन से भागित हो रहा भाई, ये भी तीन से विभाजित हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत है, गलत थी। करणी तीन एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आंसर देना पड़ेगा भाई फाइनली। ये वापस से एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। हमने बोला कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि करणी तीन एक अपरिमेय संख्या। मैंने उसे थोड़ा सा चेंज किया और मैंने किया कि माना करणी तीन जो है वो एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या होगी तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। पी बटे क्यू के रूप में मैंने लिखने के बाद करणी को हटाने के लिए क्या किया है, वर्ग, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग हुआ है तो यहाँ से करणी हटी है, मतलब इधर वर्ग लगा है। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर थ्री, जो इधर भाग में था बराबर किधर लेके आया, गुणा अभी आ चुका था, जो गुणा में था क्यू स्क्वायर के गुणा में जो था उसको मैंने बराबर किधर लेके गया, भाग हुआ, मतलब पी स्क्वायर बटे तीन बराबर क्यू स्क्वायर। समीकरण नंबर एक नाम दिया और मैंने बोला कि समीकरण एक में पी स्क्वायर तीन से विभाजित है तो पी भी तीन से विभाजित होगा, मतलब पी का एक गुणनखंड तीन है, और अगर गुणनखंड तीन है मतलब पी बराबर तीन एम होगा, जहाँ पे एम क्या था, एक पूर्णांक। अब जो पी की वैल्यू आई थी उसे मैंने समीकरण एक में रखा है, तो पी का मान समीकरण एक में रखने पर तीन एम स्क्वायर बटे तीन बराबर किधर क्यू स्क्वायर, क्या हुआ, तीन का वर्ग तीन तिया नौ, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर। अब क्या हुआ, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, मतलब तीन एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, जो एम स्क्वायर के गुणा में है बराबर किधर आया, भाग में, मतलब एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे तीन। क्या कंडीशन हुई, मैंने वापस से वही बोला, समीकरण दो में क्या हुआ, क्यू स्क्वायर तीन से विभाजित हो गया, अगर क्यू स्क्वायर तीन से विभाजित तो क्यू भी तीन से विभाजित होगा, मतलब क्यू का एक गुणनखंड वापस से क्या आ गया है, तीन आ गया। तो भैया ये तो विरोधाभास हो गया यार, दोनों तो सेम होने नहीं चाहिए, अगर सेम आ गया तो हमने क्या बोला कि भाई समीकरण एक व दो से पी और क्यू जो दोनों हैं वो तीन से विभाजित है, और अगर तीन से विभाजित है मतलब ये संख्या जो हमारी कल्पना थी वो गलत हो गई और जो करणी तीन है वो अपरिमेय संख्या। बस सेम प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आप करना, कैसे करेंगे देखो, दर्शाइए कि पांच करणी तीन एक अपरिमेय संख्या। मैं क्या बोलूंगा, माना माना पांच करणी तीन एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तो मैं क्या करने वाला हूं, पी बटे क्यू के रूप में लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, पी बटे क्यू बराबर पांच करणी तीन। भैया जो करणी तीन के गुणा में है बराबर के उधर लेके जाओ, भाग हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, पी बटे पांच क्यू और बराबर के इधर करणी तीन। भाई मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा कि पी और क्यू क्या है, यहाँ पे जो भी संख्या है परिमेय संख्या, गुणा पांच से हुआ तब भी परिमेय संख्या आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट करणी तीन क्या है, करणी तीन ये लिखे हो आपने, देखो करणी तीन एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चूंकि करणी तीन एक अपरिमेय संख्या है, करणी तीन एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो हम क्या बोलेंगे, तब परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जो होती है ये बराबर नहीं होती किसके भाई, अपरिमेय संख्या के, ये बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। और अगर बराबर नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हो बराबर है, अर्थात क्या बोल सकते हैं, अर्थात क्या बोल सकते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि p बटे पांच क्यू जो है ये बराबर नहीं है किसके, करणी तीन के, ये बराबर नहीं हुआ ना भाई, क्योंकि ये करणी तीन अपरिमेय हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, अर्थात अतः करके लिख देंगे हम, अतः पांच करणी तीन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वापस से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो, मैंने बोला कि भाई ये परिमेय संख्या मैंने माना था, अब माना था तो मैंने क्या बोले थे, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, अब जो इधर गुणा में था इधर लेके गया मैं भाग में, अब ये तो परिमेय संख्या ये हमेशा परिमेय रहेगी, बट ये तो अपरिमेय है ना, हमने इससे पहले सॉल्व किया है, तो मैंने क्या बोला कि चूंकि हम जानते हैं कि करणी तीन अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या हुई तो भैया ये और ये तो आपस में बराबर होगी नहीं,
क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर होती नहीं। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के, और अगर बराबर नहीं है तो पी बटे पांच क्यू बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बराबर आ रहा है यार भाई, यहाँ बराबर नहीं होगा। तो ये तो हमारी कल्पना का विरोधाभास हो गया। तो उस कंडीशन से मैंने क्या बोला कि पांच करनी तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो ये रो सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे यार, करनी दो लगा देना उसकी जगह पे, करनी पांच आप ही करेंगे। मैं एक हाथ कोई बता देता हूँ यार जो थोड़ा, हाँ ये बता दूंगा मैं, ये आखिरी क्वेश्चन है मेरी आज की क्लास का, ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस दो करनी पांच, तीन प्लस दो करनी पांच। क्या बोला भाई? एक अपरिमेय संख्या। मैं बोलता हूं कि माना माना तीन प्लस दो करनी पांच एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा, परिमेय संख्या होगा तो पी बटे क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा। पी बटे क्यू बराबर क्या होगा भाई? तीन प्लस दो करनी पांच। अब मैं क्या देखता हूं कि जो नंबर इधर प्लस का है इक्वल के उधर जाके माइनस, मतलब पी बटे क्यू माइनस का तीन, और बराबर में इधर क्या है? दो करनी में पांच। अब जो यहाँ गुणा में है बराबर के उधर जाएगा, भाग में होगा भाई। अगर भाग में होगा तो क्या होगा? पी बटे क्यू माइनस तीन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक बटे दो, और बराबर के इधर क्या लिखा भाई? करनी पांच। मैंने क्या देखा यार कि एक बटे दो से मैं गुणा करूं या तीन घटाऊं, परिमेय संख्या से जोड़ू घटाऊं या फिर गुणा करूं, वो तो परिमेय संख्या आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट करनी पांच क्या है? करनी पांच अपरिमेय संख्या। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं वापस से वही बोलूंगा, चूंकि हम जानते हैं कि करनी पांच अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या है तो फिर क्या सिचुएशन होगी भाई? दोनों तो आपस में बराबर हो नहीं सकती। तो मैं क्या बोलूंगा? तब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं होगी किसके? अपरिमेय संख्या के। बराबर नहीं होगी अपरिमेय संख्या की। अर्थात अर्थात क्या होगा भाई? अर्थात ये होगा कि एक बटे दो पी बटे क्यू माइनस तीन, ये बराबर नहीं होगा करनी पांच के। और अगर बराबर नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? आता है क्योंकि हमारी बात का विरोधाभास हो गया ना भाई, एक्चुअल में बराबर आना चाहिए, मगर ये तो अपरिमेय हो गई। और अगर ये अपरिमेय हो गई तो हमारी तो कथन गलत हो रहा। तो हमने क्या बोला कि भाई परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं है भाई अपरिमेय संख्या की। अब बराबर नहीं है तो हमने क्या बोला कि ये भी आपस में बराबर नहीं होंगी, और ये आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? जो क्वेश्चन हमें दिया था, आता है तीन प्लस दो करनी पांच एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो अभी किसी को क्वेश्चन में समस्या है तो पूछा जाए, क्वेश्चन अभी किसी को समस्या करता है तो पूछें। बोले नहीं? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तीन क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। देखो भाई ये प्लस वाला आ गया आपको करना पड़ेगा, गुणा वाला आ गया आपको करना पड़ेगा, भाग वाला बता देता हूँ। चलो ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। मैं क्या बोलता हूँ कि माना एक बटे करनी दो। ये देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, प्लस वाला क्वेश्चन अभी कराया है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपके होगा, जो बच्चा वो मैं कर देता हूँ। एक बटे करनी दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तो हम क्या बोल रहे थे भाई? इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब पी बटे क्यू बराबर एक बटे करनी दो। अब मैं क्या देखता हूँ यार, मैं देखता हूँ कि जो इधर गुणा में है, भाग में है, बराबर के उधर लेके जाओ गुणा होगा, करनी दो पी बटे क्यू बराबर एक। बस क्यू को इधर लेके आओ, करनी दो पी बराबर क्यू। भाई जो इधर p है इसको बराबर किधर लेके आओ, भाग में जाएगा, मतलब करनी दो बराबर क्या होगा? q बटे p। अब करनी दो क्या थी? करनी दो तो अपरिमेय संख्या थी। तो हम क्या बोलेंगे वापस से? चूंकि हम जानते हैं कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तब तब क्या होगा भाई, परिमेय जो संख्या है, परिमेय संख्या जो है ये बराबर नहीं है किसके, अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या जो है ये बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के, मतलब मतलब कि q बटे p जो है ये बराबर नहीं है किसके, कर्णिदो के, मगर यहाँ तो बराबर आ रहा है यार। फिर से हमारी बात का विरोधाभास हो रहा है, और विरोधाभास हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आता है एक बटे करणी दो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस ये हमें करना था और हमने कर दिया। ठीक, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट है, 3 जून से क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मिलेंगे अध्याय 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।